मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में तूफानी दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने जैसलमेर के पोखरण में एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री शेख आला गांव के और लूड़ी विधानसभा क्षेत्र के में जनसभा को उन्होंने संबोधित करने के बाद जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में मुख्यमंत्री ने एक होटल में जनजाति सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समाज को शिक्षित करने की जरूरत है। जनजाति में शिक्षा का अभाव है। पहले किसी जमाने में टेलीफोन की लाइन से बात होती थी, आज राजीव गांधी की देन से हर हाथ में मोबाइल है। मुख्यमंत्री ने जनजाति के लोगों से अधिक मतदान कर वैभव गहलोत को जिताने के लिए वोट भी मांगा। ये बातें लागू आज भी होती है, संतनी शक्ति है। आप एक साथ में गांव के शहर के विभिन्न बस्तियों के आए हो, कुछ संतन बना रहे उस पर शक्ति पैदा होती है। आपने मिलों में पैसे होगा तो आपने विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, और खुद में आपने विश्वास पैदा होता है कि नहीं मेरे साथ में सब लोग समाज के साथ हैं, सुख दुख के अंदर है।